प्लग तो हमने सीख लिए डिफरेंट तरह के प्लगइन्स हमने ट्राई किए यू ट्राइड जेट पैक यू ट्राइड वू कॉमर्स फरेंट न्यू फॉर्म्स एंड फंक्शनैलिटीज दैट प्लग अलाउ यू टू डू कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवन आपने ट्राई किया साथ ही साथ आपने कुछ बिल्डर्स प्लग ट्राई किए लाइक डी वी लाइक एलिमेंटर बट ऑल ऑफ इट जो भी आपने अभी तक किया दिस कम्स डाउन टू वन सिंपल थिंग एंड वट इज दैट वन सिंपल थिंग दैट सिंपल थिंग इज मेकिंग मनी कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इस सारी चीज़ों को सीख के और पैसे कमाने के लिए आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी और वो स्किल है बिडिंग की और इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिडिंग कैसे कर सकते हैं कैसे आप अपना फोकस रख सकते हैं टू फाइंडिंग द क्लाइंट दैट इज नॉट जस्ट गुड फॉर यू बट दैट इज गुड फॉर योर बिजनेस हाउ कैन यू लॉन्च योर ओन वर्ड प्रेस बिजनेस यूजिंग अ फ्री प्रोफाइल मैं आपको अपनी इस पर स्टोरी सुनाता हूँ आज से तकरीबन दस साल पहले आई स्टार्टेड अ वेबसाइट विच मेड मी मिलियंस बट सून आफ्टर आई जम्प इन टू फ्री लांसिंग और फ्री लांसिंग में जंप करने से पहले मैंने अपने जेन में एक चीज सोची और वो ये कि क्या मैं ऐसी चीज ऑफर कर सकता हूं अपने क्लाइंट को जो दुनिया में और कोई नहीं ऑफर कर सकता एंड दैट्स द मैंटेलिटी दैट यू नीड टू थिंक अबाउट सो व्हेन बिडिंग फॉर फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट वेदर इट्स फाइवर वेदर इट्स फ्री लांसर डॉट कॉम और वेदर इट्स अपवर्ड डॉट कॉम यू हैव टू थिंक वट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और इसको हमारे हिशाम सरवर भाई जो के कोर्स जिनका फ्री का ले रहे होंगे साथ वो इसको कहते हैं सतरंगी फार्मूला और उस सतरंगी फार्मूले में देर आर सेवन डिफरेंट एरियाज दैट यू हैव टू थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग योर पिच बिफोर पुटिंग इन योर पिट एक और तरीके से मैं इसको सोचता हूं वो तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट को कैसी पिच दे रहे हैं सो टुडे आई गिव यू अ फॉर्मूला टू मेक योर परफेक्ट पिच वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है इट हैज फाइव पीज इन इट पांच पी अगर आपकी बिड में इंक्लूड होंगे तो आपकी पिच क्लाइंट का प्रोजेक्ट जीत सकती है वो पांच पी क्या है द फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम क्लाइंट की वो कौन सी प्रॉब्लम है जो क्लाइंट ने अपनी ब्रीफ में शेयर की हुई है जिसको आप रिहाइट्रेट करके शेयर कर रहे हैं सो द फर्स्ट फोकस इज ऑन द प्रॉब प्रॉब्लम रिहाइट्रेट करें और उसको रिफ्रेस करके दोबारा क्लाइंट के सामने पेश करें ताकि क्लाइंट को नजर आए कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं द सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से मुराद है वो सोल्यूशन जो आप वर्डप को यूज करते हुए अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे इट कुड बी अ वेबसाइट इट कुड बी अ बंच ऑफ प्लग इन्स टूगेदर इट कुड बी एनी थिंग बट द प्रोडक्ट इज एट देंटर ऑफ दिस पिच रिमेंबर याद रखिएगा कि परफेक्ट पिच के पांच एरियाज हैं जिनमें से दो मैंने आपको भी बता दिए हैं प्रॉब्लम एंड प्रोडक्ट लेट्स फोकस ऑन द अदर वन थर्ड इज द पीपल यू वुड बी सरप्राइज बट वेन बिडिंग योर प्रोडक्ट्स योर क्लाइंट्स वॉन्ट टू नो यू योर क्लाइंट्स वॉन्ट टू नो कि आप कौन है आप कैसे प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं और आपका इस पे एक्सपीरियंस क्या है सो ट्राई टू शो योर प्रोफाइल कि आप वर्ड प्रेस कब से यूज कर रहे हैं एंड आपका पोर्टफोलियो जो है वो कैसा है पीपल एंड पोर्टफोलियो गो हैंड इन हैंड दिस वर द थर्ड पी फोर्थ पी क्या है फोर्थ पी इज योर प्रोग्रेस कि आपने आज तक वर्ड प्रेस के कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को हैंडल किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दिखाएं उसको कॉन्फिडेंस दें अपने क्लाइंट को कि कैसे आपने वर्ड प्रेस के डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल किया एंड द लास्ट पी इज द प्लान कैसे आप अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे कितनी टाइमलाइन आपको रिक्वायर्ड है कैसे आप ये प्रोजेक्ट करेंगे क्या टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे कौन से वर्ड प्रेस प्लग को यूज करेंगे कौन सी थीम्स को यूज़ करेंगे कैसे आप वो कॉन्फिडेंस देंगे अपने क्लाइंट को कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू दिस प्रोजेक्ट

अपने आप को रख के सोचें और देखें कि आर यू द राइट पर्सन टू डू द जॉब एंड अबव ऑल एक बोनस पी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो है प्राइसिंग डू यू हैव द स्वीट स्पॉट इन प्राइसिंग प्राइसिंग से मुराद है कि आप किस कॉस्ट में काम करके देंगे कॉस्ट इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कॉस्ट इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कॉस्ट शुड बी राइट कि क्लाइंट जब आपकी कॉस्ट को देखे तो वो कहे कि यार ये बंदे से ही मैंने काम कराना है और इस बंदे को ही मैंने प्रोजेक्ट देना है एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप बिडिंग कर रहे होते हैं योर जॉब इज नॉट टू विन दैट प्रोजेक्ट डायरेक्टली योर जॉब इज टू गेट एन इंटरव्यू अगर आपका क्लाइंट आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है इंटरव्यू के लिए दैट्स वे यू कैन मेक ए फंड मेकिंग

जाते हैं लाइव और देखते हैं कि कैसे बिडिंग करते हैं फ्री लांसिंग प्रोफाइल्स पे फॉरवर्ड प्रेस प्रोजेक्ट्स। अब हम जाते हैं अपवर्क डॉट कॉम और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट को कैसे आप बिडिंग करेंगे सो वील गो टू अपवर्क डॉट कॉम एंड मैं आपको अपनी प्रोफाइल इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप भी अपने आप को एज़ अ सक्सेसफुल फ्री लांसर शो कर सकते हैं So you can see I've made $40,000 just from Upwork.com so far, and I have 91% job success. And Sati Sath, I have explained myself as a WordPress expert. So these are my profile attributes. This is 52 jobs, I'm not that active anymore, but this is how I have put myself out there in the world. और मेरी वर्क हिस्ट्री आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इस पर कुछ प्रपोजल्स दिखाना चाहूँगा सो so ये मेरा वर्क रोस्टर है और इस वर्क रोस्टर पे आई एक्चुअली ट्राई टू शो यू हाउ आई एव ट्राई टू वेन प्रोजेक्ट्स वेल क्लिक ऑन दिस ई बुक रिव्यू एंड मार्केटिंग एडवाइस एंड आई शो यू मैसेजेस एंड फाइल्स ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे मैंने ये प्रोडक्ट्स जीते और किस तरह की बिडिंग मैंने की सो so, यहां पे आपको एक मैसेजेस की लिस्ट है जो नजर आएगी बट मोर देन दैट पुट आई ट्राई टू डू इज कि आई ट्राई टू सर्च फॉर वर्ल्ड प्रेस प्रोडक्ट्स एंड आई ट्राई टू शो यू कि वहां पे बिड आप कैसे कर सकते हैं देखिए मैंने वर्ड प्रेस को सर्च किया और वहाँ पे आ गया नीड अ वर्ड प्रेस डेवेलपर टू मेक अ वेबसाइट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या रिमूव दिस एरर ये अर्जेंट है हेयर मैनिकिन वेबसाइट ये एक और है और साथ ही साथ मंथली ब्लॉग्स फॉर क्रिस्टियन मिनिस्ट्री इस तरह के डिफरेंट तरह के कन्वर्ट्स एक्सडी डिज़ाइन टू वर्ड प्रेस प्रोडक्ट्स हैं तो किसी भी एक प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं और इस प्रोजेक्ट को देखते हैं कि अगर आप इस पर बिड करते हैं तो कैसे करते हैं ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको सामने नजर आ रही हैं यू क्लिक ऑन सबमिट प्रपोजल एंड यहां पे वो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछेंगे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विद एज मच डिटेल एज पॉसिबल एंड विद एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल डू यू वॉन्ट टू सबमिट द प्रपोजल ये वर्ड प्रेस डेवेलपर स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज वर्ड प्रेस ये आप पे डिपेंड करता है बट आई यूजली रिकमेंड कैन यू वन स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट जॉब शुड नॉट हैव अ रेट देट इज़ हायर दैन एट डॉलर्स एंड शुड नॉट हैव अ रेट विच इज़ लेसर दैन फोर डॉलर्स तो फोर डॉलर से एट डॉलर्स आप इसके बीच में अपना एक रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं एंड देन यू हैव द कवर लेटर योर कवर लेटर इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कवर लेटर को देख के आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आप उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे कवर so लेटर में वही सतरंगी फार्मूला जो शाम श्याम भाई ने बताया हुआ है यू कैन एड इट हियर ट्राई टू एड योर पोर्टफोलियो ट्राई टू अटैच जो भी आपने काम अभी तक किया है जिस तरह का भी किया है एंड ट्राई टू शो वट इज इट दैट मेक्स यू डिफरेंट देन ऑल द अदर पीपल आउट देर तो यहाँ पे बिड करते हुए यू मस्ट हैव अगेन दोज फाइव पीस वो फाइव पीस क्या थे सबसे पहला इज यू मैंशन द प्रॉब्लम सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को मैंशन करेंगे अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को मैंशन करेंगे उसके साथ ही यूल शो द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट इज इन सम केसिज यू योर सेल्फ द प्रोडक्ट इज़ इन सम केसिज योर वर्ड प्रेस वेबसाइट तो आपने प्रोडक्ट शो करना है थर्ड नंबर पे यू हैव टू शो द पीपल वेदर इट्स यू वेदर इट्स सम आउट तेर यू हैव टू शो द पीपल हु आर द पीपल जो कि इस प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे यू हैव टू शो योर प्रोग्रेस सो फार इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू हैव डन एंड यू विल शो द प्लान कि आपका प्लान क्या है जब आपकी बिड में ये पांच पीस इंक्लूडेड होंगे एंड ऑब्वियसली द प्राइसिंग प्राइसिंग मैंने आपको बताई है कि इफ़ यू स्टार्टिंग चार डॉलर से कम ना रखें आठ डॉलर से ज़्यादा ना रखें दैट्स अ गुड प्राइस टू स्टार्ट यू कैन क्रिएट मैजिक विद वर्ल्ड प्रेस तो प्लीज ट्राई टू लुक इन टू दिस इन डिटेल डिफरेंट तरह की बिडिंग्स को ट्राई करें uh, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे ऑलरेडी जो कि प्रोडक्ट्स जीत रहे होंगे You know, congratulations to you, but you never demotivate now because there is a whole world out there for WordPress. So try to learn WordPress as much as possible and try to change your life with WordPress.